नभ स्पर्शम दीप्तम, टच द स्काई विद ग्लोरी। दोस्तों, इसी मोटिव के साथ हमारे भारत की वायुसेना इंडियन एयरफोर्स काम करती है, और कहीं ना कहीं हर युवा का सपना होता है कि वह भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करके अपने देश के लिए त्याग, समर्पण, बलिदान की भावना को आने वाले लोगों के लिए कहीं ना कहीं अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय दे, और भारत का हर युवा अपने देश की रक्षा के लिए, अपने प्राणों को न्योछावर करने के लिए भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करना चाहता है, क्योंकि भारतीय वायुसेना हमें कहीं ना कहीं जीवन में कुछ ऐसा करने का अवसर देती है जो हम किसी भी और जॉब में नहीं पाते। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि आप 10वीं के बाद इस प्रतिष्ठित ऑर्गेनाइजेशन को कैसे ज्वाइन करें और भारत माता की सेवा में अपने आप को कैसे समर्पित करें। सबसे पहले जान लीजिए दोस्तों कि अगर आप कम से कम वायुसेना को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आप 10वीं पास हो। और आज मैं आपको 10वीं पास करने के बाद, यानी कि जब आप पहली बार अपने बोर्ड एग्जाम को देते हैं और आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द आप इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बने और अपने भारत माता की सेवा करें पूरे तन मन से, तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि अगर आप 10th पास हैं, किसी भी आपने रिकॉग्नाइज बोर्ड से अपनी 10वीं की हुई है, और अगर आपके पास कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने की आपके पास एक परफेक्शन है, आप कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ट्रम्पेट, ये सारी चीजें अगर आप बजा सकते हैं, वायलिन, ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अगर आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में अगर आपके पास प्रोफिशिएंसी है, तो आप ग्रुप वाई के तहत नॉन टेक्निकल जॉब है म्यूजिशियन ट्रेड में, आप भारतीय वायुसेना को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर इसकी हम एज क्राइटेरिया की बात करें तो 17 से लेकर के 25 साल यहां पर आपकी एज क्राइटेरिया होती है। अगर आप इस एग्जाम को देते हैं और साथ ही साथ अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको CTI बेंगलुरु में इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। मैं सबसे पहले बता दूं कि अगर आप ग्रुप वाई म्यूजिशियन ट्रेड में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास सब्जेक्ट में यहां पर कोई भी बैरियर नहीं है, आप सिर्फ 10th पास होने चाहिए, साथ ही साथ आपके पास इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आपके पास इतनी क्वालिफिकेशंस हैं तो आप इंडियन एयरफोर्स की वेबसाइट पर जाकर के airmanselection.cdac.in, दोस्तों ये ऑफिशियल वेबसाइट है इंडियन एयरफोर्स की, यहाँ पर आप जाकर के यहाँ पर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। हर साल में लगभग एक बार इसकी वैकेंसी जरूर आती है। साथ ही साथ पे स्केल की बात करूँ तो 26,000 आपका बेसिक पे होता है, प्लस आपको कैंटीन और डिफरेंट अलाउंसेस आपको इंडियन एयरफोर्स के द्वारा प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो दोस्तों ग्रुप वाई म्यूजिशियन ट्रेड आपके लिए बहुत ही अच्छा मुकाम है। अगर आप किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाने में आप बहुत ही ज्यादा परफेक्ट हैं, आपका इंटरेस्ट इस एरिया में है, तो आप इंडियन एयरफोर्स को भी इस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं ऐसे एग्जामिनेशन की जो कि साल भर में एक बार आती है और अपने अपने स्टेट के लिए अलग अलग तरीके से, जैसे कि इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी अपनी रैली भर्ती निकालते हैं, उसी तरह से आपकी एयरफोर्स भी ओपन रैली रिक्रूटमेंट निकालती है, जिसमें कि आपके पास बहुत सारी पोस्ट होती हैं, जैसे कि MTS, कुक, हाउसकीपिंग, ऐसी बहुत सारी पोस्ट आपके पास आती है, मेस स्टाफ, यानी कि ऐसी पोस्ट जो आपके लिए लगभग ग्रुप सी की पोस्ट होती हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जब आप ओपन रैली भर्ती में जाते हैं तो आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे कि आपकी 10th की मार्कशीट, प्लस आपका आधार कार्ड, प्लस आपके पास पैन कार्ड भी अगर है, और आपके पास और सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ये सारी चीजें आपको लेकर के जानी होती है। अगर आपके राज्य में ओपन रैली रिक्रूटमेंट आया है तो आप इसकी जो आप इंफॉर्मेशन है वो airmanselection.cdac.in से ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आप देख सकते हैं। आपके राज्य में ओपन रैली भर्ती कब होने वाली है, इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप ऐसा करते हैं तो दोस्तों निश्चित रूप से आप एयरफोर्स में एज एन MTS, LDC, कुक, मेस स्टाफ यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। वैकेंसीज की बात करें तो बहुत ज्यादा वैकेंसीज यहाँ पर नहीं आती हैं, बहुत कम वैकेंसी होती हैं, लेकिन आपको एयरफोर्स में सर्व करने का मौका यहाँ पर आपको मिलता है। मैं आपको यहाँ पर कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बता देता हूँ, जैसे कि आपके पास 50% मार्क्स एग्रीगेट में होने चाहिए, 50% मार्क्स आपके
इंग्लिश में होने चाहिए। सबसे पहले जब आप ओपन रिक्रूटमेंट के लिए फॉर्म भरते हैं तो आपको जाने के बाद आपका फिजिकल, मेडिकल और रिटन टेस्ट होता है। अगर आप इसको क्वालिफाई करते हैं तो आपके पास मेरिट लिस्ट आती है, उसमें आपका नाम होता है। आप इंडियन एयरफोर्स को एज एन ग्रुप सी यहां पर ये सारी पोस्ट पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। सैलरी की बात करें तो 20,000 पर मंथ आपकी बेसिक सैलरी होती है, प्लस आपके जो अलाउंसेस होते हैं, जो फैसिलिटीज आपको आर्म फोर्सेस द्वारा दी जाती है, वो फैसिलिटीज आपको यहां पर मिलती है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप इंडियन एयरफोर्स को, अगर आप 10वीं पास हैं, आप इस एज क्राइटेरिया में भी आते हैं, तो आप इंडियन एयरफोर्स को इस तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों हर उस दोस्त में, हर अपने उस फ्रेंड में शेयर कीजिएगा जो कि इंडियन एयरफोर्स को, भारतीय वायुसेना को सर्व करना चाहता है और देश प्रेम की भावना जिसके अंदर है, जो चाहता है कि मातृभूमि के लिए हम कुछ कर गुजरें। तो दोस्तों ये वीडियो हर उस दोस्त में शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो आपके अपने चैनल एपीएम क्लासेस सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।